बिहार के सीतामढ़ी में सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने CAA NPR NRC को लेकर मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज 24 के लिए सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने शनिवार को सीतामढ़ी के खिलाफत बाग में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संशोधित नागरिकता कानून CAA राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी NPR और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी NCR पर झूठ को हवा दे रहे हैं। भानु प्रताप ने नरेंद्र मोदी सरकार पर CAA को लेकर देश की एकता व अखंडता को चोट पहुँचाने का आरोप लगाया जो धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है। उन्होंने कहा कि NPR को NCR के पूर्वगामी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल लोगों को नागरिकता से वंचित करने के लिए हो सकता है। सरकार यह कहकर झूठ को हवा दे रही है कि यह कानून हितकारी है और इसका उद्देश्य नागरिकता देना है, लेना नहीं, और यह दावा कर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं कि यह NCR से जुड़ी नहीं है। ये सभी उपाय आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे। आगे वीडियो में सुने उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बताई जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अपने उस कानून में जो CAA का बनाया है ये बात लिखी नहीं है। उसमें केवल इतना लिखा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं या भारत में रह रहे हैं उनको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। धार्मिक अत्याचार की बात नहीं है वहां पर, तो सरकार क्यों झूठ बोल रही? अगर धार्मिक अत्याचार तुम लिख नहीं रहे तो हल्ला क्यों मचा रहे हो? और जो हल्ला मचा रहे हो तो उसे लिख भी दो, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, क्योंकि झूठों की और बेईमानों की सरकार है, सच को छुपाएगी और झूठ ही आपको दिखाएगी ताकि उसका नंगा चेहरा आपके और हमारे सबके सामने आना जाए। क्यों बनाई कि ये सारे के सारे मुसलमान होंगे तो इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, टंटा कदम भाड़ में जाओ ठीक हो जाएगा काम, हो गया उल्टा। वहां पे 19 लाख में से 15 लाख लोग हिंदू निकल आए जिनकी नागरिकता चली गई। अब हिंदुओं को वो कैद खाने में नहीं डाल सकते, नहीं तो बीजेपी की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर हिंदू को कहते हैं। यही तो राजनीति है बीजेपी की कि हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं उसके पास। सो हिंदुओं को नहीं डाल सकते, उनको नागरिकता देने के लिए ये CAA कानून लेके आई। दूसरा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हिंदू और मुस्लिम में देश को बांटना, इसके लिए लेके आई। और तीसरा, जो 2014 में सरकार आई और बड़े बड़े वादे किए, हम ये कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां, मालूम है ना आपको, 1 साल में दे देंगे, तो 10 करोड़ 5 साल में हो गई। 10 करोड़ 5 साल में देने के बजाय 5 साल में 5.5 करोड़ नौकरियां पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से देश की जनता, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या पढ़ने वाले बच्चे हो, सारे के सारे सरकार के खिलाफ थे। और इससे ध्यान बट जाए इसलिए सरकार ये कानून लेके आई। एक तीर से 3 निशाने, एक तीर से 2 तो आपने बहुत सुने होंगे, बन जाएंगे बैकवर्ड सारे नागरिक बन जाएंगे, आदिवासी सारे नागरिक बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो अनपढ़ है, गरीब है, जिसे अपनी नहीं पता माता पिता की जन्म की तारीख कहां पता होगी। तो माता पिता की जन्म की तारीख पे हिंदू या मुस्लिम नहीं लिखा, बौद्ध या जैन नहीं लिखा, सिख या ईसाई नहीं लिखा, पारसी नहीं लिखा, लिखा है माता पिता की जन्म की तारीख। जो नहीं बताएगा, जो नहीं सिद्ध कर पाएगा, उसी की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और हमारे जो गृह मंत्री हैं, एक पत्रकार को इंटरव्यू देते समय गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता का अगर कोई एक सबूत है तो वो है जन्म का प्रमाण पत्र, उसके अलावा कोई सबूत नागरिकता का नहीं है। ये मैंने ही बोला, मैं तो
गृह मंत्री के शब्द आपको बता रहा हूं, पर ये शब्द गृह मंत्री के हैं। उस पत्रकार ने कहा आपने आधार कार्ड बनवाया, हर जगह तो आधार कार्ड, जन्म की तारीख का सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे। तो ये केवल मुस्लिम का कैसे हो गया? मुस्लिम की आबादी तो पूरे देश में मुश्किल से 20-22 करोड़ है, 20-22 करोड़। तो वो 70 करोड़ लोग कौन है? वो 70 करोड़ लोग हिंदू भी हैं, वो सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, वो एससी एसटी ओबीसी भी हैं। तो सारे के सारे तो हैं, सबकी नागरिकता जाएगी। सो लोगों का ये समझना, अपने दिमाग के पर्दे खोलो, ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, इस सरकार की नजर में वो इस देश के मनुवादी ब्राह्मणों ने चार हिस्सों में बांटा। नंबर एक सबसे ऊपर रखा ब्राह्मण को, उसके नीचे रखा क्षत्रिय को, जिनको आप राजपूत या ठाकुर कहते हैं, और उसके नीचे रखा बनियों को, जिनको वैश्य कहते हैं, बनिए, और उनके नीचे जितने भी हैं सारे के सारे लोग। इन तीनों के अलावा वो हैं शूद्र, जो आज के समय में जिन्हें एससी एसटी ओबीसी कहा जाता है। ये सारे के सारे शूद्र हैं तो नहीं कोई भी अधिकार। इस देश की 65 से लेकर 70% तक जमीन इन्हीं तीनों के पास है, इन्हीं तीनों के पास। यानी एक तरह से मानो अगर 100 बीघा जमीन है पूरे देश की, तो 100 बीघा में से 65 से लेकर 70 बीघा जमीन इनके पास, इन तीन के पास, और जो बाकी लोग हैं उनके पास इतनी सी, जिनकी संख्या इतनी बड़ी है उनके पास इतनी सी। 90% जो बड़े पद हैं वो इन्हीं तीनों के पास है, सरकार में, सरकारी विभागों में। मुस्लिम कितने? मुश्किल से 1.5%, यानी 100 अगर लोग हैं तो 1.5 आदमी उनका, एक या 1.5 आदमी। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का एससी एसटी के कितने हैं? मुश्किल से 20%, मुश्किल से, वो भी नीचे के अगर चपरासी वगैरह लगा ले तो। जो क्लास वन के हैं वो 90% इनके पास हैं, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में वो 93%, यानी 100 में से 93 वो इनके पास हैं। और ओबीसी अपने आप को बड़े हीरो समझता है ना, ओबीसी का एक भी प्रोफेसर सेंटर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में नहीं है। सो नागरिकता तुम्हारी भी जाएगी, बचेगा कोई नहीं। ये बात सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए, ये रिलायंस का है और ये मोदी का आदमी है, ये लड़ाई का तरीका है और हम लड़ाई के मैदान में। और रिलायंस का पेट्रोल डीजल भरवाना बंद करो, उसके जो भी सामान है वो बंद करो। और पतंजलि लाला रामदेव है ना, जो गाय और गोबर के नाम पे जो पता नहीं क्या क्या करता, आजकल चल भी रहा है कि कोरोना जो है ना, इसे गाय का गोबर मलो तो कोरोना नहीं आता, और गौमूत्र पी लो तो कोरोना नहीं आता। तो मैंने कहा यार दोनों तुम मिला के अगर एक एक गिलास पी लो तो क्या दिक्कत है, सारा कंटा ही खत्म हो जाएगा अंदर बाहर सबका। और पहले शुरुआत यही करें जो कह रहे हैं, ये मूर्ख हैं, मूर्ख वाली बात करते हैं, इसमें नहीं आना। और हमें इनका बहिष्कार करना है, क्योंकि बहिष्कार से बड़ा हथियार हमारे पास नहीं है। और फिर कह रहा हूं डरना नहीं। शोले फिल्म देखी थी, गब्बर सिंह क्या कहते थे? जो डर गया समझो मर गया। तो ना तो हम डरेंगे और ना ही हम मरेंगे, और आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक हम इस बीजेपी और आरएसएस को इस देश की धरती से अब उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, तब तक लड़ाई चलेगी हमारी। उस अधिकार से आगे जाके उसने नियम बना दिए। कायदा यह है कि संसद किसी भी सरकार को जो काम करना है जितने अधिकार देती है, सरकार उससे ज्यादा अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके आगे नहीं जा सकती। लेकिन सरकार भी उन्हीं की थी और संसद में कानून भी उन्होंने पास करवाया। सो 2003 में
10 दिसंबर 2003 इस तारीख को याद रखना, 10 दिसंबर 2003 को इस सरकार ने नियम बना दिए। उस धारा 14A के तहत जो कानून बना था उसको लागू करने के नियम, लेकिन उस कानून में धारा 14A में यह कहा गया कि यह कानून लागू होगा 3 दिसंबर 2004 को। आप समझना इस बात को कि कानून लागू होगा 3 दिसंबर 2004 को, और उस कानून के अंतर्गत बनने वाले यानी उस कानून के द्वारा बनने वाले नियम 2004 के बाद ही बनने चाहिए थे, सरकार ने बना दिए एक साल पहले 10 दिसंबर 2003 को और बना के लागू भी कर दिए। कायदा यह होता है किसी कानून का कि अगर संसद में कोई कानून पास होता है तो लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, फिर राष्ट्रपति उसके साइन करते हैं। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भी वो कानून जब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि ये ना लिख दिया जाए कि इस तारीख को सरकारी गजट में ये छपेगा और उस दिन से लागू होगा, अगर नहीं लिखा है तो वो कानून लागू नहीं होगा। ऐसे करना है कि आज वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ये कहा, आरटीआई के जरिए कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके पास नागरिकता का कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं है। यह हिम्मत है, और आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो आरटीआई सूचना के अधिकार के कानून के तहत जो जानकारी दी है वो जानकारी इतनी आम है कि उसके बाद हमको न एनपीआर से डरना है, न एनआरसी से डरना है, और न ही सीए कानून से डरना है। राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने के नियम बनाने के लिए राष्ट्र की जनगणना के लिए नहीं दिए, जनसंख्या के लिए नहीं दी, जो एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके विषय में सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो जब आपको इसके लिए अधिकार ही नहीं दिए गए तो सरकार ने बना कैसे लिया? इसी 2003 के नियम में पहली बार एनपीआर का जिक्र हुआ है, एनपीआर। और एनपीआर का जो जिक्र सरकार ने किया है वो भी गैर कानूनी है, सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि आपको यह अधिकार नहीं दिएगा कि आप एनपीआर बनाओ। आपको तो नागरिकता के विषय में कहा गया था, और नागरिकता के विषय में भी सरकार ने जो नियम बनाए उसमें केवल 9 सूचनाएं आपसे मांगने की, केवल 9। इसके अलावा कोई और सूचना सरकार हमसे मांग नहीं सकती। क्या है वो 9 सूचनाएं? 2003 के सरकार के नियम जो कि गैर कानूनी है, पर उसको भी अगर मान ले तो जो नियम है उसके अनुसार हमें 9 जानकारियां देनी है, बस। केवल क्या है 9 जानकारी? नाम, यानी मेरा या आपका अगर एनपीआर होता है तो आपका या मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मैं आदमी हूं या औरत ये लिखा जाएगा, मेरी जन्म की तारीख, मैं कहां पैदा हुआ, और मेरा वर्तमान और स्थायी पता क्या है, और नंबर 8 कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं, अगर हूं आदमी हूं तो मेरी पत्नी का नाम, और औरत है तो उसके पति का नाम ये बताना, और नंबर 9 मेरी पहचान का चिन्ह क्या है, यानी मेरे चेहरे पे कोई ऐसा चिन्ह है जिससे मुझे पहचाना जा सकता है, कहीं चोट का निशान हो, कहीं कुछ और हो, या मेरे हाथ में गर्दन पे कोई ऐसा निशान है जिससे मुझे पहचाना जा सकता है। केवल ये 9 सूचना, केवल कानून के अनुसार, कानून में नहीं है, गैर कानूनी नियमों के अनुसार इतनी ही सूचना सरकार को देनी है। लेकिन सरकार कितनी सूचना मांग रही है? 21 सूचनाएं मांग रही है, और जो 21 सूचनाएं मांग रही है उनमें क्या है सबसे खतरनाक? सरकार कह रही है, जो मैंने अभी शुरू में बताया,
कि माता पिता कहां पैदा हुए, उनके जन्म का स्थान बताओ, माता पिता की जन्म की तारीख बताओ, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है वो बताओ, आपका पैन कार्ड जो इनकम टैक्स में है उसका नंबर बताओ, आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर पहचान पत्र का नंबर बताओ, आपका फोन नंबर बताओ, आपका पासपोर्ट का नंबर बताओ यदि हो तो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बताओ। ये सारी की सारी चीजें सरकार है, इस सरकार का केवल एक उद्देश्य है, केवल एक, जिसके लिए रात दिन काम कर रही है और वो कर रही है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और उसके लिए अंदर अंदर सारे काम कर रहे हैं। कभी आपने सुना था कि डिटेंशन कैंप क्या होते हैं, लेकिन बन गए, आसाम में बन गए, बेंगलोर में बन गया, 12 राज्यों में डिटेंशन कैंप का काम चल रहा है, 12 राज्यों में अंदर अंदर सब चल रहा है, झूठ बोल रही है सरकार और सबको हिंदू बनाना चाहती है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि इस देश में जो भी व्यक्ति है वो जिस धर्म को मानता है माने उसे पूरी आजादी है, उस धर्म के अनुसार उसके जो रीति रिवाज है जैसे मनाना चाहता है, जो उसका खान पान है मनाए, वैसे खाए पिए रहे पहने ओढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही एक आजादी है जो संविधान ने हमें दी है और ये उसे खत्म करना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि चाहे ये भाजपा सरकार कितनी कोशिश कर ले, चाहे तड़ीपार और चौकीदार कितनी ताकत लगा ले, ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, न आज है और न ही कभी होगा, और हम इसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। और लड़ाई का तरीका है हमें एनपीआर का पूरा बहिष्कार करना है। अगर किसी ने भी जानकारी दे दी, कह रहे यार वकील साहब तो ऐसी कोई बात नहीं, दे दो यार, डर गए आप, डरने की जरूरत नहीं, डरता है वो व्यक्ति जिसके मन में पाप हो, गुनाहगार हो, या वो व्यक्ति डरता है जिसे जानकारी ना हो। तो आपके मन में तो कोई पाप मुझे तो नहीं दिखता, कोई पाप है, और आपको जानकारी मैंने दे दी कि जो भी सरकार कानून कर रही है ये गलत कर रही है, 9 जानकारियां जो तुम्हें चाहिए वो फॉर्म लेके आ जाओ, हम आपको दे देंगे, बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये भी कह सकता है कि अच्छा चलो तुम्हें 9 है तो 9 ही भर दो, क्योंकि गृह मंत्री ने कह दी कि जो नहीं पता उसे मत भरना, आप ही सोचोगे हाँ भर दो यार, नहीं, वो तभी भरना जब उससे कहो सरकार का ठप्पा लगा हुआ ये 9 सूचनाओं वाला कागज पहले लेके आ, तब भरेंगे, उससे पहले नहीं भरेंगे, जाल में नहीं फंसना, किसी भी हालत में जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि सरकार से समझेंगे हम। और सब लोग यहां जितने भी लोग खड़े हैं सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि घर घर जाके हर व्यक्ति ये मान ले कि मैं 10 लोगों को या 10 परिवारों को जाके समझाऊंगा कि ये है एनपीआर, सरकार का जाल ये है, इसमें फंसना नहीं। हर व्यक्ति यही करना पड़ेगा। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है जिनसे हम अपनी बात को एक दिन में एक समय में पूरी दुनिया में फैला दें, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो हम ही सारे लोग हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि मैं बताऊंगा, जाके समझाऊंगा, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। 10 को समझाने जाओगे नहीं होंगे 10, 2 तो होंगे, 2 को तो समझाओगे, अगर इतने सारे लोग 2-2 को समझाएंगे तो कितने लोगों को समझा पाएंगे, समझ रहे हैं, पूरे शहर को समझा देंगे, पूरे जिले को। नागरिकता कानून में आपने यह संशोधन किया, क्या इन लोगों को नागरिकता देने से वो कानून पहले रोक रहा था? नहीं, 1955 में नागरिकता का जो कानून बना वो कानून आज भी किसी को भी नागरिकता आपको देनी है तो वो मना नहीं करता और वो रोकता नहीं। फिर आपने क्यों किया ये सर, मुस्लिम को क्यों निकाला उसमें से? क्योंकि मुस्लिम को निकालने के बाद ही तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू होगी, मुस्लिमों के प्रति घृणा फैलाने की जो नीति है वो तभी तो होगी, अगर नहीं उसे करते तो फिर ये कहां होता? नहीं रहेंगे।
देंगे तो क्या बचेगा। इसलिए सरकार अपने उस मकसद में कामयाब होगी। हमारा ध्यान असली मुद्दों से उसने हटा दिया। अब ये जो कानून है नागरिकता कानून, इसको समझो, यही आज की तारीख में सबसे जरूरी चीज है समझने की, और इस पर सरकार कितनी झूठ बोल रही है और कैसा गैर कानूनी काम कर रही है इसको समझो। यह है सबसे बढ़िया धारा 14 ए जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि देश में जो नागरिक हैं उनको एक पहचान पत्र, राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, और वो कौन कौन नागरिक होगा उसके नियम बनाए जाएं। थोड़े से उसने बनाए, बाकी नियम बनाने की जो पावर है, ताकत है, अधिकार है, वो उसने सरकार को दे दिया। नियम और कानून बनाने का काम संसद का है, किसी और का नहीं है। लेकिन संसद क्या होती है, कुछ अपनी पावर, कुछ अपने अधिकार सरकार को दे देती है कि भाई इतना मैंने किया, इतना आप करना। तो ये तो बना दिया कि नागरिकता के लिए एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र बनेगा, जैसे वोटर आई कार्ड है। तरीके से समझने की कोशिश करना। सरकार कहती है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। और मैं कहता हूं और सिद्ध करके बताऊंगा कि CAA नागरिकता देने का भी कानून है और नागरिकता छीनने का भी कानून है। सरकार झूठ बोल रही है। कैसे? आप जो ये कानून लेके आए हो CAA, आपका कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इस देश में आए हैं, जिनके खिलाफ धार्मिक अत्याचार हुआ है, यानी धर्म के आधार पर जिनके साथ मारपीट हुई है, अत्याचार हुआ है, उन लोगों को आप नागरिकता दोगे।